फ्रेंड्स, चलिए हम आपको आज एक ही कलर से फिर से बनाते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस। और ये मैं आपको जो ड्रेस बताने जा रही हूँ, दो नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बताएंगे। इसके लिए मैंने 3 प्लाई वाली उल ली है और 11 नंबर सिलाई ली है। इसी से मैं आपको 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बताऊँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये 2 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे हम 2 नंबर कान्हा जी के लिए 18 फंदे डाल लेंगे, ये देखिए। और 3 के लिए हमने 20 फंदे डाले हैं और 4 के लिए हम 22 फंदे डालेंगे। इस तरह से हम दो दो फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे, जिस तरह से हमने जितनी भी बड़ी हमने ड्रेस बनानी है। तो देखिए, इस तरह से मैं सिंपल ही फंदे 18 फंदे डाल लूँगी 2 नंबर कान्हा जी के लिए। तो ये मैं आपको ये ड्रेस जो बताने जा रही हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से, जिनको नहीं आता है वो भी इसे बना सकते हैं आसानी से। तो प्लीज़ ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से 18 फंदे ये देखिए डाल लेते हैं। यहाँ पे 18 फंदे डाल के मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं और ये मैं आपको 2 नंबर कान्हा जी के लिए बता रही हूँ 18 फंदे डाल के। और हम इसे जाली वाली ड्रेस बताएंगे आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, फंदे डाल के मैंने उल्टी सिलाइयाँ बना ली हैं। इसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धागा अपनी तरफ है और जाली वाली ड्रेस बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे हम 2 जालियाँ डालेंगे इस तरह से, ये देखिए 1, 2, धागा अपनी तरफ, 3 और ये 4। एक बाजू के लिए 4 जालियाँ बना ली हैं। इसके बाद हम ये 2 सीधे फंदे बनाएंगे, 4 फंदे हमने बनाने, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये देखिए, हम फिर से हम 4 फंदे सीधे बना के फिर से हम जाली बनाएंगे दूसरी बाजू के लिए, 1, 2 और ये 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। उल्टी सिलाई को पूरा हम उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उल्टी सिलाई को बना लेते हैं, सीधी पे आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए, तीन नंबर लड्डू गोपाल के लिए आपने बनानी है तो आपने 20 फंदे डालने हैं और 4 और 5 के लिए आपने बनानी है तो 22 फंदे डाले हैं आप। इस तरह से ही हम 2-2 फंदे बढ़ाते हुए चले जाते हैं, जितने भी हमने जितने बड़े लड्डू गोपाल के लिए हमने ड्रेस को बनाना है। तो चलिए उल्टी सिलाई को बनाते हैं। हम बना चुके हैं, सीधी सिलाई पे हैं। तो सीधी सिलाई पे ये देखिए, फिर से हम बता रहे हैं आपको, पहला फंदा उतारा, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 फंदा बढ़ चुका है यहाँ पे, सीधा बनाएंगे। तो 4 जालियाँ हम फिर से डालेंगे, ये देखिए 1, धागा अपनी तरफ, 2। अब ये देखिए, 2 जालियाँ बनाने के बाद हम 2 फंदे सीधे बना लेते हैं जो बढ़ते हुए जाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 2 जालियाँ हमने फिर से डाल दी हैं। अब आगे के फंदे हम पीठ वाले सीधे बना लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे जालियाँ वाली ड्रेस बता रहे हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे मैं फिर से धागा अपनी तरफ करके ये जाली बनाऊंगी। ये देखिए, 2 जाली हम बनाने के बाद फिर ये दोनों फंदे मैंने सीधे बनाने हैं। इसके बाद धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस तरह से, 1 फंदा सीधा जो बढ़ चुका है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, पीछे धागा, लास्ट का सीधा फंदा। तो यहाँ पे ये 2 जालियाँ डल चुकी हैं, 2 ही जालियाँ और इसी तरह से डाल के कंप्लीट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 जालियाँ बना ली हैं, ये देखिए इस तरह से।
अब ये टोटल फंदे जाली डालने के बाद, चार जालियां डालने के बाद टोटल हमारे 50 फंदे हो रहे हैं यहाँ पे चोली में। इसके बाद ये देखिए मैं उल्टी तरफ हूँ चार जालियां डालने के बाद। अब यहाँ से मैं बाजू घटाऊंगी, तो ये मैं फुल बाजू नहीं बना रही हूँ, आधी बाजू बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए दो दो तीन चार चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ फंदे हमने कंधे के लिए बना लिए हैं। ये देखिए जाली तक, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम ये देखिए बाजू को घटाएंगे, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये देखिए आठ और ये देखिए नौ, नौ फंदे हमने बाजू में घटा दिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा टाइट बाजू को घटाना है हमने। अब आगे के पीठ वाले फंदे हम बना लेते हैं, दूसरी बाजू हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 फंदे हमने बना लिए हैं। इसके बाद हम 9 फंदे फिर से घटा देते हैं दूसरी बाजू के लिए, जिस तरह से ये घटाए हुए हैं उसी तरह से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से एक, इस तरह से ही दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ और ये नौ, ये देखिए 9 फंदे हमने दूसरी बाजू के लिए घटा दिए हैं। अब 8 फंदे हम ये कंधे के लिए बना लेते हैं। सात, कोई भी अपनी पसंद की इसमें आप कलर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है, और नॉर्मल ऊल से भी आप बना सकते हैं। मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊल ली है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने 9 9 फंदे घटा दिए। इसके बाद हम पूरी सिलाई को इस तरह से ले जाएंगे, ये देखिए दो फंदे उल्टे। इसके बाद ये देखिए बाजू को जॉइंट करते हुए पूरी सिलाई को सीधा बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे पूरी सिलाई को सीधा बना के कंप्लीट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई पूरी बना ली है और हमारे पास ये 32 फंदे हैं। तीसर दो, अब ये देखिए यहाँ पे हम एक सिलाई बना चुके हैं और 3 सिलाइयाँ और बना लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए, तो यानी कि हम बाजू घटाने के बाद यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं सीधी सीधी और आपको फिर दिखाते हैं। और टोटल फंदे हमारे 32 फंदे हैं चोली में, ये देखिए। तो चलिए हम 4 सिलाइयाँ इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना ली हैं बाजू को अलग करने के बाद, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ पूरी उल्टी बना लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से। टोटल सिलाइयाँ ये पूरी 2 सिलाइयाँ पूरा उल्टा बनाएंगे इसी तरह से, ये देखिए। इसके बाद हम आपको फिर दिखाएंगे, ये देखिए पूरी सिलाई हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है ये दोनों तरफ से। ये देखिए, तो यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। सिलाइयाँ उल्टी बना ली हैं, इसके बाद हम ये देखिए यहाँ पे पूरी सिलाई पे ये देखिए 2 फंदे उल्टे बना के यहाँ पे 26 फंदों पे ये देखिए इस तरह से जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए। यहाँ पे मैं रेड कलर की डोरी डालूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर हम जाली बना रहे हैं और हमारे फंदे भी बढ़ रहे हैं इस तरह से।
26 फंदों पे मैं 26 फंदे बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से दो सिलाइयाँ उल्टी बनाने के बाद, ये देखिए, तो बना लेते हैं इसी तरह से पूरी सिलाई में, और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। सीधी पे मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। ये देखिए हर सिलाई से फंदे बढ़ा रहे हैं, इसमें हम डोरी भी लगा सकते हैं और हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 26 फंदों पे फंदे बढ़ा लेती हूँ। 3 फंदों पे इधर नहीं बढ़ाया है और 3 फंदे लास्ट के नहीं, 6 फंदे पे नहीं बढ़ा रही हूँ, और मैं यहाँ पे 26 फंदों पे फंदा बढ़ा लेती हूँ इसी तरह से, और पूरी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मैं सीधी पे आपको फिर दिखाऊँगी। 26 फंदों पे फंदे बढ़ा लिए, इसके बाद ये देखिए हम अब नीचे तक जाली बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने डोरी डालने के लिए हर फंदे पे जाली बनाई थी, इसके बाद हम ये देखिए 2 फंदे उल्टे बना के पीछे धागा करेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने सीधे बनाए हैं। इसके बाद हम धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे 2 जालियाँ इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। नीचे तक हम घेरे इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 जाली हम बना चुके हैं, ये देखिए 1 2 3 4 4 5 फिर से हम जाली बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 5 फंदे सीधे बनाए, इसके बाद हमने जाली बनाई। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 और ये 5 फिर से हम जाली बना लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए तो मैं इसी तरह से जाली बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, और नीचे मुझे इसी तरह से नीचे घेरे में 5-5 फंदों के बाद जो बढ़ते हुए जाएंगे वो बीच में हम सीधे बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह से मैं 6 जालियाँ बना लेती हूँ घेरे में, इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 6 जालियाँ बना ली हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए इसके बाद हम पूरी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। और ये मैंने 7 जगह बनाई हैं जालियाँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद हम पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं, और उल्टी सिलाई पे आपको फिर से दिखाते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है मैं कंगूरा किस तरह से बनाती हूँ, तो मैं आपको ये बताती हूँ। पहले हम उल्टी सिलाई को पूरा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई उल्टी बनाई थी, इसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से कंगूरे बना दिए। तो किस तरह से मैंने ये बनाए लास्ट का मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से मैंने सभी बनाए हैं जिस तरह से मैं आपका लास्ट का बता रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए 1 फंदा बनाया और यहीं से वापस हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर हमने दूसरा, ये देखिए यहाँ पे 1 बनाया था, तीसरा हमने बना लिया और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। एक एक फंदा हम लेते हुए जाएंगे, और सभी कंगूरे इसी तरह से हमने बनाए हैं, ये देखिए। तो ये मैंने 6 फंदे का कंगूरा बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। 3 फंदे हम बना चुके हैं, चौथा फंदा हमने ले लिया है, यहीं से हम वापस हो जाएंगे। एक एक फंदा हमने इसी तरह से एक एक फंदा लेना है, ये देखिए। फिर हम ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे ये देखिए चौथा फंदा ले लिया, ये दोनों भी हम इसी तरह से ले लेते हैं। इसी तरह से मैंने ये एक एक करके 6 फंदे ले लिए हैं। ये देखिए पहला फंदा उतारा धागा अपनी तरफ, तो यहाँ पे हम ये देखिए 5वां फंदा हम बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और यहीं से वापस हो जाएंगे। तो चलिए हम इस लास्ट के को भी इसी तरह से बना लेते हैं। मैंने 6 फंदे ले लिए हैं, एक एक करके मैंने 6 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद हम ये देखिए सभी फंदों को इस तरह से घटा देंगे, 1 2
3 4 5 6। ये देखिए इस तरह से 6-6 फंदों का कंगूरा बनाया हुआ है। ये लास्ट का एक फंदा बच गया है, इसमें हम इस धागे को निकालेंगे। यहाँ पे ड्रेस बनके कंप्लीट है, ये देखिए, और बहुत ही आसानी से बन गई है और काफ़ी सुंदर लग रही है। आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने ये जाली जो बनाई है इसमें हम डोरी भी डाल सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनके कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी कान्हा जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।